कोरोना संक्रमण के कारण जहां पूरे देश में त्राहिमान मचा हुआ था, तो वहीं कुछ परिवारों ने तो अपने घर के कई सदस्यों को खोया है। ऐसा ही मामला एक राजधानी लखनऊ के बीकेटी विधानसभा क्षेत्र का सामने आया है, जिसमें एक ही परिवार में एक एक करके कुल 8 सदस्यों ने अपनी जान गंवाई है। आइए आज हम ले चलते हैं आपको उसी गाँव में और जानते हैं कि क्या कुछ वजह थी जिसकी वजह से इतने लोगों की जान गई है। कोरोना महामारी से अब तक लाखों लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच लखनऊ से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ कोरोना महामारी एक परिवार पर कहर बनकर टूट पड़ी है और पूरे परिवार को निगल लिया है। दरअसल लखनऊ में एक ऐसा परिवार है जहाँ महीने भर में कोरोना ने 8 लोगों की जान ले ली है। ऐसे में इस परिवार के 5 लोगों की 13वीं एक ही दिन हुई। ये देख कर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। मैं सीमा सिंह यादव। क्या घटना हुई? सर पहले बुखार जुखाम ही, गले में प्रॉब्लम हुई थी। तभी घर से जब मैं यहाँ गए थे मेरे हस्बैंड, तब मैं घर पे नहीं थी। मैं खुद दवाई देने गई थी छोटे लड़के के साथ। और जब यहाँ मैं आई, देखे कमरे में तो वो थे नहीं। तब ने फ़ोन किया, फ़ोन भी नहीं उठाए। फिर छोटे वाले भैया को फ़ोन किया, छोटे वाले भैया बोले कि वो भाभी यहीं पे आ गए, हॉस्पिटल एडमिट हो गए हैं। तब फिर वो डॉक्टर बोलते थे यार ठीक हो जाएंगे, कल ठीक हो जाएंगे। यही सब हम लोग घर पे इंतज़ार करते रहे कि आज आ जाएंगे, कल आ जाएंगे। इसी तरह उनकी तबीयत बिगड़ती गई ऑक्सीजन के बिना। और फिर वो 24 को जब मैं गई तो उनकी बहुत हालत ख़राब थी। तो वहीं मृतक की पत्नी पूनम यादव ने बताया कि अस्पताल की लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण उनके पति ने दम तोड़ा है। फीवर आ रहा था और खांसी आ रही थी। हम उनको हॉस्पिटल ले गए, प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर ने ऑक्सीजन लगा दिया। वो बोल रहे थे कि मुझे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, फीवर कम करना है, बट डॉक्टर ने लगा दिया। मैं रात को एडमिट करा के अपने घर वापस आ गई। दूसरे दिन जब वो गिर गए तब मैं गई, तब से मैं उनके साथ में ही रही। दवाइयाँ चल रही थी, हम लोग को कुछ नहीं पता। वहाँ कोई भी टेस्ट नहीं कराया जा रहा था, प्राइवेट हॉस्पिटल था। फिर हमने टेस्ट करा लिया, हमको रिपोर्ट नहीं मिली 3-4 दिन में। जब हमारे यहाँ से कुछ लोगों ने कॉल की तब जाके हमको रिपोर्ट पता चली। वो पता चला कि वो निगेटिव है, बट हमारे जेठ जी हमारे सामने एक्सपायर हो गए। और उस हॉस्पिटल में जो भी आ रहा था वो सारे एक्सपायर हो रहे थे। आपको बता दें कि एक ही दिन एक ही परिवार के 5 लोगों की 13वीं का आयोजन किया गया था। मातम का ऐसा मंजर देखकर सभी की आंखों में आंसू आ गए हैं। परिवार की 4 महिलाएं विधवा और कई बच्चे अनाथ हो गए हैं। हालांकि 7 मौत कोरोना संक्रमण से और एक बुजुर्ग की मौत दहशत में हृदय गति रुकने से हुई है। जानकारी के मुताबिक 25 अप्रैल से लेकर 15 मई तक एक ही परिवार के 8 लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आकर काल के गाल में समा गए। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।